नमस्कार किसान भाइयों। तो यह है पत्ता गोभी खेती, इसका प्लांटेशन 12 दिन पहले कर दिया गया था, तो अब आ गई है गुड़ाई पर। तो गुड़ाई पर हम क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी खाद डालते हैं जिससे पौधा मजबूत हो और उत्पादन हमें अधिक से अधिक मिले। चाहे आप जब आप फर्टिगेशन करते हैं, मतलब प्लांटेशन के पहले खेत में मिलाते हैं, उस समय पर डाल सकते हैं या आप गुड़ाई पर डाल सकते हैं। हमने प्लांटेशन करते वक्त नहीं डाल पाया, इसलिए हम अभी गुड़ाई पर इसके लिए डालेंगे। तो इसको 12 दिन हो गए हैं, इसमें घास भी थोड़ा थोड़ा सा उग गया है, तो हम इसकी गुड़ाई कर देंगे तो घास भी सूख जाएगा। और इसमें जो भी पोषक तत्व हम नहीं डाल पाए थे प्लांटेशन के वक्त, वो हम अभी देने की कोशिश करते हैं। तो कौन कौन से पोषक तत्व देते हैं, सबसे पहले वो जानते हैं। तो ये है पोटास, जिसके लिए हम म्यूरेट ऑफ पोटास के नाम से जानते हैं, दानेदार आता है, तो इसको हम डालेंगे। और साथ में यह है नाइट्रोजन, जिसको हम यूरिया के नाम से जानते हैं, इसको भी हम डालेंगे। और यह है पाउडर फॉर्मुलेशन में SSP, जिसको हम सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से जानते हैं। इसमें पाया जाता है जिंक भी पाया जाता है, सल्फर भी पाया जाता है, और साथ में फास्फोरस भी पाया जाता है, इसलिए हम इसको लेते हैं। क्योंकि जो भी क्रूसीफेरी कुल के पौधे होते हैं, जैसे सरसों, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, इनमें अधिकतर सल्फर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसको हम लेंगे। एक एकड़ के हिसाब से आप 2 कट्टा SSP ले सकते हैं, और 30 kg आपको पोटास लेना है। लगभग 1 कट्टा, मतलब 50 kg का जो कट्टा आता है, उतना आपको नाइट्रोजन लेना है। चाहे आप जब आप फर्टिगेशन करते हैं, मतलब प्लांटेशन के पहले खेत में मिलाते हैं, उस समय पर डाल सकते हैं या आप गुड़ाई पर डाल सकते हैं। तो अभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में जितनी हम गुड़ाई करेंगे, उतना हम इसका कॉम्बिनेशन करेंगे और फिर इसको छिटक देंगे पूरी फसल में, उसके बाद में गुड़ाई करेंगे, जिससे कि मिट्टी में अच्छा मिल जाए और फिर हम इसकी बेड़ बना देंगे। तो सबसे पहले लगभग 1 kg के आसपास हम म्यूरेट ऑफ पोटास ले लेंगे। इसके अलावा हम SSP लेंगे, इसमें सिंगल सुपर फास्फेट 1 kg के आसपास इसको लेंगे। इसके बाद में हम एक टॉनिक मिलाएंगे, जो कि हम ज़मीन के माध्यम से भी दे सकते हैं और स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। इफ्को बाजार का आता है होमिक के पावर के नाम से, उसमें होता है होमिक एसिड, फुलविक एसिड और साथ में पोटेशियम। तो पोटेशियम तो वैसे दे रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हम अलग से इसको दे रहे हैं। लगभग इसमें पाया जाता है होमिक एसिड है जो 75 से 85%, फुलविक एसिड 5 से 10% और पोटेशियम 3 से 5%। तो इतने पोषक तत्व पाए जाते हैं, और लगभग कंपनी के अनुसार 1 एकड़ में 500 से 1 kg हमें ये डालना पड़ता है। ये है 500 ग्राम का पैकेट, इसलिए हम इतनी सी मात्रा में लगभग 250 ग्राम के आसपास इसको लेंगे। तो आधा पैकेट लगभग हम इसको ले लेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये हो गया हमारा होमिक के पावर, जिसमें होमिक एसिड है इसलिए हमने इसको मिलाया है, और SSP और पोटास। इसके बाद में हम थोड़ी सी नाइट्रोजन मिलाएंगे इसमें, और नाइट्रोजन हम बाद में भी दे सकते हैं, जब हम सिंचाई करेंगे उसके बाद में भी दे सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो कि ऊपर से देने पर भी काम कर लेता है अच्छे से फसलों में। यदि हम कोई और फर्टिलाइजर देंगे तो वो ऊपर से काम नहीं करते हैं, उनको मिट्टी में दबाव होना चाहिए। इस प्रकार से हम पूरा कॉम्बिनेशन करके, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए आपको बिल्कुल भी रखना नहीं है, कॉम्बिनेशन करना है तो अपनी फसलों में डाल देना है, क्योंकि बहुत से इसमें पोषक तत्व हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ में ये कोई क्रिया कर सकते हैं, इसलिए आपको तुरंत डाल देना है। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन हमारा बन गया है, और हम इस कॉम्बिनेशन को अपनी फसलों में डालेंगे। उसके बाद में जब भी हमारी गोभी, पत्ता गोभी तैयार हो जाएगी पूरा, उसके बाद हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे कैसा हमें इसका उत्पादन मिला है। तो इसलिए हम प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, कि हम किस प्रकार से फर्टिलाइजर देते हैं अपने खेतों में। तो इस प्रकार से हम पूरी पत्ता गोभी डालेंगे, आप देख सकते हैं, बाद में हम आपके लिए दिखाएंगे कि किस प्रकार से इसने काम किया है। तो बस इसको हम छिटक देंगे पूरी पत्ता गोभी, उसकी कर देंगे गुड़ाई, गुड़ाई करने के बाद हम बेड़ बना देंगे, बेड़ बनाने के बाद सिंचाई कर देंगे, और फिर थोड़ी सी हम नाइट्रोजन दे देंगे ऊपर से, क्योंकि हमने इसमें नाइट्रोजन कम मिलाई है। इस प्रकार से ये फर्टिगेशन आप कर सकते हैं गुड़ाई के समय पर पत्ता गोभी में। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल के लिए। इसी प्रकार के वीडियो बने रहिए फार्मिंग दुनिया के साथ में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान, जय जवान।